चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज दीदी का पेपर है इनवली, तो हमको जाना है, अभी थोड़ी देर में निकलना है। अभी बज रहे हैं 3:30 के आसपास हमारी ट्रेन है, तो हमको जाना है। और इन वाली दीदी को भी हमने अभी उठा दिया है रात को, ठीक है। ये थोड़ी चिड़चिड़ी सी भी हो रही है इस टाइम तो फटाफट से अभी यहाँ से निकलते हैं बाहर, एक्टिवा निकालते हैं अपनी और चलते हैं। लाइट तो जला लो यहाँ की। चाबी कहाँ है? कभी देख सकता नहीं तुझे खुश मैं रखूंगा सुने। हेलो तीनों बेटियों, ठंड लग रही है। हेलो भाई, तो अभी बहुत ही खुशहाल रास्ता हो रहा है, रात को हमको थोड़ा सा डर लग रहा है, ज्यादा तो नहीं हुआ चलो भाई निकलो, चलो जल्दी भागो। ओके बाय बाय। हेलो, चलो भाई टिकट ले लो। मैंने इनको ही भेज दिया आगे, जिस जल्दी मिल जाए टिकट। फाइनली मिल गया। हाँ तो आपको कैसा लग रहा है इतनी रात को? नींद आ रही, नींद आ रही मुझे। मैं सोऊंगा, सही बता रहा, मैं बैठते ही सोऊंगा। हाँ ये तो है। तो भाई अभी 10-15 मिनट हैं, तो हम सिंगल वाली सीट ढूंढ रहे। इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई। इस टाइम वैसे तो उठ के अच्छा लगता है, पर वैसे अच्छा नहीं लगता। ओहो, और भाई मिल गई सीट। लो बॉयज, स्टेशन देख लो। बाय बाय सहारनपुर, शाम को मिलते हैं। अब तो आ रहा सबास आ रही बरात, करना इंकार बार। लो भाई फाइनली गाजियाबाद। लो भाई फाइनली अंशुल गई अंदर एंट्री कराने और फिर पेपर। भैया सिंघम सर देखो यहाँ पे खड़े हुए हैं, पर इनकी कोई यार सुन ही नहीं रहा। साई सिंघम हमारे कॉलेज में भी है। तो गाइज वो चली गई है पेपर देने, और अभी मैं थोड़ा सा ऐसे टाइम पास करने निकल गया, क्योंकि तो अभी मैं इधर आ गया हूँ और देखते हैं अभी आगे चल के कुछ, पहले नाश्ता वगैरह देखते हैं कुछ करते हैं। भाई इधर तो कुछ खास खाने पीने का है नहीं, तो मैं जा रहा हूँ वापस। बाकी ये है कि किसी का वेट करना भी बहुत मुश्किल है भाई, मेरे से तो हो नहीं रहा। दो घंटे का पेपर है, अब टाइम पास होना मुश्किल होने वाला है। अब देखते हैं धीरे धीरे करना तो पड़ेगा। पर अब इस एरिया में बस जिधर भी देखो बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है। तो भाई हम 3:55 पे चले थे और 7:30 तक पहुँच भी गए थे, फिर उसको अंदर छोड़ा। अब तक एग्ज़ाम है तो मुझको वेट करना पड़ेगा, और देखते हैं कैसे टाइम पास होगा आज हमारा। कॉलेज के बराबर में ये प्लान लगाया हुआ है किस चीज़ का, तो इस रोड पे जिधर भी देखो कुलचे और बिरयानी सबसे ज़्यादा है, जो कि मैं बहुत कम खाता हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बॉयज़ यहाँ पे नर्सरी है जगह जगह पे, पर हमको यहाँ से क्या ही फ़ायदा, हम तो दूसरे काम से आए हैं अभी। तो बॉयज हमको घूमते घूमते बहुत देर हो चुकी है यहाँ पे, अब आधा पौना घंटा बचा है, टाइम पास हमने बहुत कर लिया। अब वहीं बैठते हैं और वेट करते हैं कि कितनी देर में वो बाहर आती है, और फिर फटाफट से यार निकलेंगे, है ना। थक भी बहुत चुके हैं,
एग्ज़ाम जब होता है ना और कहीं दूर सेंटर लग जाए तो परेड हो जाती है अच्छी खासी। काइट और एबीएस का कैंपस टूर भी पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, वो भी आप जाके देख सकते हैं। इसका इंद्रप्रस्थ का तो मैंने नहीं बनाया है अभी, क्योंकि यहाँ तो हम एग्ज़ाम के लिए आए हुए थे मेनली, तो मैंने नहीं बनाया, मैंने शूट नहीं किया यहाँ पे। तो जो ये एरिया है ना जहाँ पे इंद्रप्रस्थ ये कॉलेज है, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और इसमें भी सब कुछ है, बीटेक बीबीए वगैरह। तो भाई इंद्रप्रस्थ का कैंपस बाहर से दिखने में कुछ ऐसा है, और ये सब भी हमारी तरह ही पेपर दिलवाने आए हुए हैं और यहाँ पे बोर हो रहे हैं बैठे। सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना, हम से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीर साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे ना, परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी होली में रंग नहीं है। ले तेरे बस्ते की फोटो ले लूं है। हाँ इतनी लेट क्यों आई तू? ओहो तेरी एक्स्ट्रा सीट्स। तो गाइस फाइनली अंचल पेपर दे के आ चुकी है और फटाफट से अब ऑटो लेते हैं और चलते हैं शाहदरा स्टेशन की तरफ। ओहो बच्चे थक गए आज पेपर दे के। ओ माय गॉड मैं क्या कह रहा, भीड़ है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है जिम्मेदारी लें और ट्रेन में जब चढ़े तो आराम से चढ़े। तो फाइनली पंछी आजाद हो गए हैं अपने घर की ओर बढ़ते हुए। हाँ भाई कैसा लग रहा अपने स्टेशन पे? मस्त। तो जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं कि फाइनली अब हम घर पहुंच चुके हैं और बहुत थकान हो रही है यार सच में। अब व्लॉग को एंड करते हैं, और व्लॉग अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कौन समझ आए जब जुट जाए साए, हाय रब जब हो वही चसा।